गुरु पूर्णिमा पर हनुमान जी महाराज को बनाए अपना गुरु, यह कहना है गोलपाड़ा संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगवीर दास का। इस दिन हनुमान जी को सुनाई जाएंगी 1,00,000 बार चौपाई। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी महाराज को गुरु मानते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव किनाई। चौपाई को सेवकों के द्वारा 1,00,000 बार जाप किया जाएगा, जिससे गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज भक्तों को ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी महाराज को ज्ञान का गुण का सागर कहा गया है। चरण सेवक जगवीर दास तोमर का कहना है और मानना है कि प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, तीनों ही प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वर्ग सिधार जावेंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप से सदा सदा अपने सेवक के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वह अजर अमर का वरदान पाए हुए हैं। त्रेता में राम जी के साथ, द्वापर में कृष्ण भगवान के रथ पर कलयुग यानी वर्तमान में अपने सेवकों का कल्याण कर रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर के सेवकों के द्वारा शहर के विशिष्ट नागरिक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारियों, वरिष्ठ व्यापारियों को भोजन प्रसादी हेतु आमंत्रित किया गया है, क्योंकि अगर हनुमान जी महाराज इन लोगों को ज्ञान रूपी आशीर्वाद देंगे तो यह सभी आम जन के लिए और अधिक कार्य कर सकेंगे। सरकार की जय, गुर प्रेतवा की जय, गुर सच्चे दरबार की जय, गुर बालाजी महाराज की जय, गुर भैरव बाबा की जय, गुर प्रेतवा सरकार की जय, गुर महंती महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को है, शनिवार को। प्रतिवर्ष की भांति यहाँ हनुमान जी महाराज को गुरु मानते हुए हनुमान जी महाराज का पूजन किया जाएगा। विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे हनुमान जी महाराज उनको कृपा करें और वो शहर में अच्छे से अपना कार्य कर सकें। तो साथ ही हनुमान जी महाराज को हम गुरु क्यों मानते हैं, तो हमारा कहना है या मानना है कि माता हमारी प्रथम गुरु होती है, पिता हमारा द्वितीय गुरु होता है, शिक्षक हमारा तृतीय गुरु होता है, और समय और प्रकृति के अनुसार तीनों लोग हमसे बिछड़ जाते हैं। तब हमारा कहना है कि हनुमान जी महाराज जो अजर अमर का वरदान पाए हुए हैं, जिन्होंने सभी युग में किसी न किसी रूप में जनमानस की सेवा की है, उसी तरह कलयुग में हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के भंडार हैं। एक ऐसे देवता हैं जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, जल्दी कृपा करने वाले हैं। तो यहाँ रामायण की तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए लिखा गया है 40 के द्वारा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाही। तो इस चौपाई को सर्वोपरि मानते हुए मंदिर के प्रांगण में 1,00,001 चौपाई का पाठ सेवकों के भक्तों के द्वारा किया जाएगा, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की जाएगी कि अपने भक्तों को दोनों हाथों से आशीर्वाद दें, माता पिता गुरु की तरह प्यार करें, और हमें ज्ञान देकर हमारे आने वाले जीवन की, आने वाले दिनों की कठिनाइयों को दूर करते हुए हमारे जीवन को सुचारू चलाने के लिए हमें आत्मशक्ति दें।
इसके साथ ही मंदिर के गेट पर 19 जून से सीजर प्रसव के विरोध में एवं प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए चल रहे आंदोलन के तहत 32वें दिन आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान संसदीय क्षेत्र संगरूर पंजाब का पुतला फूंका गया। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद का पुतला फूंका गया है। आज 32वां पुतला मंदिर के गेट पर भक्तों के द्वारा, सेवकों के द्वारा फूंका गया है। जैसा कि ज्ञात है कि सीजर डिलीवरी के विरोध में और प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए यह आंदोलन भक्तों के, सेवकों के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।